हेलो दोस्तों रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रजनी के इस फाउंडेशन बैच में आज हम लोग एक नया चैप्टर क्यूब क्यूब वाइड स्टार्ट करने जा रहे हैं घन घना चलिए शुरू करते हैं देखिए क्यूब स्टार्ट करने से पहले देखिए क्यूब ये वाला क्यूब आप लोग देखे होंगे पासा देखे होंगे घर में कभी लूडो खेलते होंगे तो यही क्यूब होता है ठीक है इसमें से पहले तीन बात समझते हैं कि इसमें सतह किससे कहते हैं सीड्स किससे कहते हैं और किनारा किससे कहते हैं ठीक है देखिए इसमें जो सबसे पहले समझते हैं सतह सतह जो होता है इसमें ये वाला होता है देखिए मेरे हाथ में भी एक क्यूब फॉर्म का यहाँ पे डब्बा है अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे ठीक है तो ये वाला जो पूरा आपको दिख रहा है इसको पूरा एक सरफेस कहते हैं तो इस वाले सरफेस में पूरा सरफेस कितना हो जाता है ये टोटल छः होता है ठीक है एक ये दो फिर इसके पीछे तीन फिर ये चार ये एक तो ये चार हो गया इधर से देखेंगे तो ये पाँच और ये छः ठीक है टोटल कितने सरफेस हो जाते हैं सरफेस टोटल इसमें हो जाते हैं छः यहाँ भी गिनना चाहें तो आप यहाँ भी गिन सकते हैं देखिए एक तो ये वाला हो जाएगा एक ये दो ये तीन ये चार ठीक है एक ये ऊपर में पाँच है और एक इससे पीछे वाला जो हमें छ है ठीक है एक ऊपर में पाँच ये छः अर्थात ये ऊपर वाला ये पाँच और एक इसके पीछे वाला भी होगा जो यहाँ पे फिगर में क्योंकि यहाँ पे थ्री फिगर तो बनेगा नहीं फिर भी थ्री फिगर में आप जितना सोच सकते हैं वो यहाँ पे यही है छः हमारा क्या हो जाता है ये छः सत्रह हो जाते हैं कोना किसे कहते हैं शीर्ष या कोना देखिए कोना हमें कहते हैं इसे जो आपको यहाँ दिख रहा है ब्लू वाले से घेर जो रहे हैं एक ये दो ये तीन फिर यहाँ पे ये यह चार उसी तरह यहाँ पे पाँच ये फिर छः फिर यहाँ पे सात और ये हमारा आठ तो कोना किसे कहते हैं जो यहाँ पे आपको ये बॉक्स में भी दिखेगा ये वाला कोना फिर ये वाला कोना ठीक है फिर ये वाला कोना फिर ये वाला कोना इसे हम लोग क्या कहते हैं कोना कहते हैं तो कितना कोना होगा इसमें आठ कोना होगा अब बच गया किनारा किनारा किसको कहते हैं तो देखिए किनारा जो होता है बहुत ही आसान है भूज देखिए किनारा भुजा वो कहते हैं एक तरह से ठीक है किनारा भुजा को ही कहते हैं ठीक है ये जो होता है ना ये ये जो लाइन देख रहे हैं आप इसको कहते हैं हम लोग किनारा तो ये कितना होगा किसी भी क्यूब में ये टोटल बारह होगा ठीक है ये एक ये दो ये तीन ये चार चार इस तरफ हो गए चार इसी तरह इसके पीछे होंगे चार चार आठ हो गए उसके बाद आपको ये ऊपर में नौ और इस तरफ से ये दस फिर इसके इसी तरह से पीछे ग्यारह और फिर उसी तरह से बारह ठीक है तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे आप हाथ में भी एक पासा रख कर देख सकते हैं खुद से भी अगर आपको दिक्कत हो बाकी इसमें कुछ समझने वाला ज़्यादा चीज़ है नहीं सिर्फ आपको छः सतह होते हैं आठ कोना होता है बारह किनारा होता है बस इतना ही समझना है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट अब हम लोग को यहाँ पे समझना है कि जैसे देखिए अब हम लोग को क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा तो वो क्यूब को काटने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम लोग को भी क्यूब को काटना होगा तो एक लाइन को अगर हम लोग काटेंगे तो हम लोग कहते हैं मान लेते हैं ये छः सेंटीमीटर का है इसको हमें दो दो सेंटीमीटर काटना है तो आप कहेंगे दो सेंटीमीटर नाप के काट देते हैं हो जाएगा ठीक है तो यहाँ भी दो सेंटीमीटर यहाँ भी दो सेंटीमीटर यहाँ भी दो सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर कितना बार कट किए तो आप कहेंगे जो हम लोग यहाँ पे काटे हैं वो दो बार काटे हैं ठीक है लेकिन वन कितना गया है एन जो होगा ही, एन को हम लोग हिस्सा से जोड़ते हैं लेकिन यहाँ पे हिस्सा कितना बना तो आप कहेंगे हिस्सा यहाँ पे एक ये दो ये तीन लेकिन हिस्सा तीन बना तो इसका मतलब है कि हमें जितना हिस्सा चाहिए होता है ना उससे एक कम काटते हैं ठीक है अगर हम लोग दो कट काटेंगे तो तीन हिस्सा निकलेगा अगर हम लोग किसी भी चीज़ में दो कट लगाएंगे तो उसमें हिस्सा तीन निकलेगा अगर ये पेन ही है ठीक है अगर इस पेन को अगर हम लोग अभी तीन कट लगा दें तो इसमें चार हिस्सा निकलेगा ठीक है तो एक बात तो हमें यह समझना है और क्या समझना है अब हम समझते हैं ज़रा सा कि अगर क्यूब को काटेंगे तो क्यूब में क्या होगा ठीक है अगर हम लोग क्यूब को काटे तो क्यूब में क्या होगा चलिए इधर बनाते हैं एक बड़ा सा फिगर लेते हैं ये दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो आजू बाजू लोगों को दिखाइए उनका भी भला कराइए देखिए अब इसको हम लोग ये हो गया हमारा क्यूब अब इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग करेंगे कट तीन कट करते हैं या दो ही कट करते हैं चलिए दो कट में थोड़ा आसान होगा ये कम घिनाएगा ये कट सीधा है ठीक है ये आपको यहाँ लग रहा है तिरछा है लेकिन ये तिरछा नहीं है ये सीधा है और ये कट कैसा होगा ये कट कुछ इस तरह का है कि यहाँ से ले करके यहाँ से लेकर के ये पूरा घूम करके ये एक कट हो रहा है ठीक है ये क्या हो रहा है पूरा एक कट हो रहा है जैसे 20 से अगर हम लोग कट करेंगे यहाँ पे 20 से तो ये हमारा क्या होगा ऐसे होगा ऐसे 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 ये पूरा 20 से एक कट कर रहे हैं हम लोग इस तरह से ये कट हो रहा है तो उसी तरह से फिर यहाँ भी एक कट कर दे रहे हैं ये हमारा हो गया क्या इससे क्यूब निकल जाएगा तो आप कहेंगे अभी क्यूब नहीं निकलेगा अभी तो एक ही लाइन हुआ है एक लाइन में क्यूब कैसे निकल जाएगा ये तो अभी यही ना हुआ होगा कि ऐसे ऐसे कट गया होगा सीधा ये ऐसे ऐसे अभी कट गया तो इसमें क्यूब थोड़ी निकल जाएगा क्यूब करने के लिए तीनों तरफ से काटना होगा हमें तो हम कहते हैं ठीक है तीनों तरफ से काटना होगा तीनों तरफ से काट देते हैं तो एक बार हमें इधर से भी काटना होगा जो जाके यहाँ मिलेगा फिर यहाँ से काटना होगा जो यहाँ मिलेगा तो अभी भी क्यूब निकल जाएगा हम कहेंगे नहीं अभी भी क्यूब नहीं निकलेगा तो क्यूब के लिए और काटना होगा हमें और किधर से काटना होगा इधर से तो इधर से भी हमें काटना होगा क्या अब क्यूब निकल जाएगा तो बिल्कुल अब क्यूब निकल जाएगा क्योंकि तो अब सारे तरफ से कट गया अब क्या होगा सारे तरफ से निकल गया तो यहाँ से एक क्यूब निकलेगा आपको जिस तरह से ये वाला ऐसे करके आप देख रहे होंगे ठीक है यहाँ से क्या होगा एक क्यूब निकलेगा सबसे पहले इस कोना से क्यूब निकलेगा कोना वाला समझिए सबसे पहले हम लोग कोना वाले को समझते हैं ठीक है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ये जो कोना कोना पर है ना इसको समझते हैं ये कोना पर से कैसा क्यूब निकलेगा कितना कोना है यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आप तो अभी पीछे आठ पर सोच रहे होंगे तो एक अंदर है पीछे की तरफ वो दिखाई नहीं देगा ठीक है तो सात कोना जो होता है वो दिखाई देता है एक नहीं दिखाई देता है अब फलक कितना दिखाई देता है फलक हमें तीन ही दिखाई देता है अगर आप स्पीकर को किसी भी तरफ से देखेंगे ना तो आपको तीन ही दिखाई देगा एक यहां एक यहां ठीक है और एक इधर उधर वाला तो नहीं माफ कीजिएगा यहाँ हमको फिगर बताने में दिक्कत हो रहा है ठीक है तो कभी भी कितने दिखाई देंगे आपको ये जो दिख रहा है ये तीन ही दिखाई देते हैं ठीक है अब इसमें समझते हैं अब अगर मान लीजिए कि ये सारा पूरा रंगा हुआ है ठीक है ये पूरा रंगा हुआ है अगर ये पूरा फिगर अगर समझ लीजिए आपकी अगर रंगा हुआ है जैसे आप मान लीजिए ये पूरा अच्छा पीला इतना हो गया कि अब तो दिक्कत हो जाएगा पहले ही रंग देना था चलिए कोई बात नहीं मान के चलिए कि ये पूरा क्या है हमारा रंगा हुआ है ठीक है तो आप एक बात बताइए इसमें से कौन कौन सा हम लोग को जो होगा ये अगर पूरा अगर व्हाइट से ही मान लीजिए ये पूरा वाइट से रंगा हुआ है ठीक है वाइट तो है यहाँ पे तो अगर वाइट से ये रंगा हुआ है तीन रंग कौन सा रंगा हुआ, हुआ होगा तो आप कहिएगा यहाँ अगर जो भी ये जो क्यूब निकलेगा ना ये तीनों जो सटा हुआ है सीड्स पे इसमें तीन तरफ रंगे हुए होंगे यहां से भी जो भी क्यूब निकलेगा इस कॉर्नर पर से जाहिर सी बात है इस कॉर्नर पर से जो भी क्यूब निकलेगा उसका इधर रंगा हुआ होगा इधर भी रंगा हुआ होगा और इधर भी रंगा हुआ होगा यहां पर से जो भी क्यूब निकलेगा इस कोना पर से ठीक है काटने के बाद तो उसके तीन तरफ रंगे हुए होंगे उससे कितने तरफ रंगे हुए होंगे तीन तरफ तो हम लोग यहाँ पे तीन लिख लेते हैं तो इसका मतलब है जितना भी कोना होगा वहाँ जाहिर सी बात है कि तीन तरफ रंगा हुआ होगा हर कोना पे कितना रंगा हुआ होगा तो हम कहेंगे तीन रंगा हुआ होगा यहाँ पे तीन का मतलब क्या है तीन सतह रंगा हुआ होगा उसका ठीक है ये कितना रंगा हुआ होगा तीन सतह रंगा हुआ होगा अब आगे बढ़ते हैं अगर आप इस वाले को देखेंगे इस वाले को तो इसमें कितना रंगा हुआ होगा तो इसमें हमें दो रंगा हुआ होगा ये वाला एक इस तरफ एक इस तरफ वाइट ये कितना रंगा हुआ होगा ये दो सतह रंगा हुआ होगा ठीक है उसी तरह फिर इधर भी कितना रंगा होगा यहाँ भी दो होगा यहाँ भी दो होगा यहाँ भी दो रंगा हुआ होगा यहाँ भी दो रंगा हुआ होगा बस आपको दिखाई कहाँ दे रहा है दो सतह सिर्फ यहां दिखाई दे रहा है बाकी जगह आप मान के चल रहे हैं क्योंकि इसके इधर कुछ ना कुछ होगा इसके इधर भी तो कुछ होगा इसके इधर नीचे में यहाँ पे होगा यहाँ भी इसके इस तरफ कुछ में हो कुछ होगा यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना इस जगह पर फ्रंट फेस से जो फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है चलिए पीला ले लेते हैं तो ये ये जो दो नंबर है ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या होगा ये दोनों तरफ से ये रंगा हुआ मिलेगा ठीक तो तीन सतह कहाँ रंगा हुआ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कोना पर शीर्ष पर और जो बीच में होगा मिडिल क्यूब वो कितना रंगा हुआ होगा वो दो सतह रंगा हुआ होगा तो आप सोच रहे होंगे बीच में जो बच गया वो क्या होगा ये भी दो सतह रंगा हुआ होगा ये देख लीजिए ये भी दो सतह होगा ये भी दो सतह होगा ठीक है ये भी दो सतह होगा ये दिख नहीं रहा है पीला वाला ठीक से ब्लैक से ही लिखते हैं ये दो होगा ये दो होगा ये भी दो होगा ठीक है अब आप सोच रहे होंगे जो बीच में बच गया वो कितना रंगा हुआ, हुआ होगा तो बीच वाला जो बच गया यहाँ पे ये भी दो होगा ये एक सतह रंगा हुआ होगा ये एकमात्र कितना रंगा हुआ होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक सतह रंगा हुआ होगा क्योंकि इसके जितने भी सतह हैं ना ये सारे के सारे अंदर हैं अगर इसमें से काट काट के हम लोग निकालेंगे ना ये बीच में जो भी होगा ये आपको बीच में देखिए अगर यहाँ से कोई क्यूब निकलेगा इस जगह पर से ठीक है अगर इस जगह पर से आपको कोई भी क्यूब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो इसका सिर्फ यही वाला सतह रंगा हुआ होगा क्योंकि इसका बाकी सारा कुछ कहाँ होगा इसके अंदर होगा ठीक है और देखिए यहाँ पर से जो निकलेगा मिडिल क्यूब हमारा मिडिल क्यूब जो निकलेगा यहाँ पर से बीच पर से उसका एक इधर सत रंगा हुआ होगा एक इधर रंगा हुआ होगा और जो कोना पर होगा उसका तीनों सतह रंगा हुआ होगा तीन सतर रंगा हुआ होगा एक दो तीन तो किसी भी क्यूब को अगर बड़े क्यूब को हम लोग काटेंगे और उसमें से अगर हम लोग उसको अलग अलग करेंगे अगर वो रंगा हुआ क्यूब है तो मैक्सिमम कितना सतह रंगा हुआ हो सकता है तीन सतह तीन से अधिक सतह किसी का भी रंगा हुआ नहीं हो सकता है ठीक है तीन से अधिक सतह किसी का भी रंगा हुआ नहीं हो सकता अर्थात तीन सतह तो खाली होना ही होना है ठीक है यहां से हमें बस इतना ही समझना था तो यहां पर अगर कट की बात करें तो हम लोग कितना कट लगाए हुए हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर कट देखेंगे आप तो ये ब्लू से कर रहे हैं तो एक कट यहाँ हो गया ये वाला ये जो लाइन गया हुआ एक कट यहाँ हो गया दो इसी तरह से हर दो दो तरफ हर तरफ दो दो लगाए हुए हैं यहाँ भी दो और फिर हमारा ये हो गया फिर यहाँ पे, फिर ये दो कट तो टोटल कट कितने लग गए यहाँ पे टोटल कट लग गए यहाँ पे दो गुना तीन बराबर छः ठीक है और एन यहाँ पे कितना हिस्सा कितना हुआ तो आप कहेंगे एक ये दो ये तीन एन यहाँ पे तीन है तो कट जाहिर सी बात है कट एक कम होता है लेकिन ठीक है तो कट यहाँ पे हर तरफ कितना लग रहा है दो लग रहा है तो एन माइनस वन कट होता है हमारा कट कितना होता है एन माइनस वन होता है अर्थात जितना भी हिस्सा निकालेंगे हम लोग अभी पीछे तुरंत देखे हुए थे हम लोग ठीक है एन क्या हो रहा था एन हमारा एक कम हो रहा था एन क्या हो रहा था हमारा एन से हमारा कट जो होता कम हो रहा था जैसे एन अगर तीन है तो इसमें कट कितना होगा इसमें कट कितना होगा इसमें कट तीन माइनस एक दो होगा क्योंकि एक हिस्सा ज़्यादा हो जाता है तो ठीक उसी तरह यहाँ पर ठीक है अगर एन कितना है एन अगर तीन है तो कट कितना होगा आप बोलिए कट जो होगा वो तीन माइनस एक दो होगा लेकिन ये एक ही तरफ का है ये क्या है एक ही तरफ का है क्योंकि क्यूब जो होता है थ्री फिगर होगा तो थ्री फिगर है तो इसमें तीन तरफ से हमें कट करना होगा तो टोटल कट कितना हो जाएगा अगर कुल कट पूछे आपसे तो तो आपका ये इसमें तीन तरफ से आप है तो तीन गुना हो जाएगा तो इसमें टोटल कट कितना होगा इसमें टोटल कट छ कट होगा ठीक है अब जरा बारी बारी से समझते हैं क्यूब को क्या कर तीन सतह जो कटा हुआ होता है उसको किस कौन सा क्यूब कहते हैं जो दो सतह वाला है उसको कौन सा क्यूब कहते हैं एक सतह वाले को कौन सा क्यूब कहते हैं ठीक है जरा ये समझते हैं देखिए शीर्ष घन एक होता है शीर्ष घन इंग्लिश में कहते हैं इसको भर्टेक्स क्यूब तो ये तो आठ होगा क्योंकि ये आठ कोना होता है ये क्या होता है आठ हमारा या पीछे ही कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे फिगर बना हुआ है तो आपको पीछे ही कर देते हैं यहीं पे देखिए सीड्स घन यहाँ पे कितना होगा भर्टेक्स क्यूब यह होगा आठ क्योंकि आठ कोना होता है ये किससे बनेगा ये हमेशा कोना से बनेगा ये कोना से बनेगा और ये कितना रंग होगा ये तीन रंगा हुआ ये तीन रंग वाला होगा इसके बाद होगा मिडिल क्यूब जिसको कहते हैं हम लोग मध्य मध्य घन मध्य घन ठीक है मध्य घन ऐसे इसका फॉर्मूला होता है ट्वेल्व इंटू एन माइनस टू ये फॉर्मूला कैसे आता है वो भी बता देते हैं ठीक है अभी सिर्फ आप देख लीजिए ये कितना रंगा हुआ होगा ये दो रंग रंगा हुआ होगा ठीक है इसके बाद आता है केंद्रीय घन केंद्रीय घन ठीक है केंद्रीय घन कितना रंगा हुआ होगा ये एक रंग रंगा हुआ होगा हो फॉर्मूला को अभी आप छोड़ दीजिए फार्मूला को नेक्स्ट पेज में बताएंगे फॉर्मूला कैसे आया है ठीक है केंद्रीय घन कितना होगा केंद्रीय घन साथ बीच का घन जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको केंद्रीय घन एकदम सेंटर में ये कितना होगा एक रंग रंगा हुआ होगा इसका सतह जो होगा इसके बाद क्या होगा अंत केंद्रीय अंत केंद्रीय मतलब जो अंदर से केंद्रीय क्यों घन निकलेगा तो वो कितना रंगा हुआ होगा जो अंदर होगा वो रंगाएगा कभी भी जो पेट चीर करके एकदम बीच से निकालेंगे इसके भीतरवा से तो वो कभी भी रंगाएगा रंग भी नहीं करेगा रंग तो खाली बाहर कर रहे हैं ना भीतर थोड़ी कर रहे हैं तो इसमें अंत केंद्रिया में कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा इसमें कोई रंग नहीं होगा जीरो रंग हो जाएगा पहले आपको इतना चार बात समझना है ठीक है इसके बाद सबका फॉर्मूला कैसे कैसे आया है शीर्ष घन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमेशा आठ होगा ये तो एकदम आसान सा बात है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं फॉर्मूला पे शीर्ष घन आठ हो गया ये कैसे बनेगा ये कोना से बनता है इसके बाद आ जाता है हमारा मध्य घन ये तीन रंग वाला है ये कितना है ये दो रंग वाला होता है मध्य घन मध्य घन का फॉर्मूला होता है ट्वेल्व इंटू एन माइनस टू और यह किससे बनता है ये किनारा से बनता है ये किससे बनता है किनारा से बनता है देखिए पीछे फिर से दिखा देते हैं आपको देखिए ये किससे बन रहा है तो आपको ये दिखाई देगा ये आपको रेड से करके दिखाते हैं रेड से नहीं ब्लैक से दिखाते हैं देखिए आपको ये दिख रहा है किनारा से बन रहा है देखिए इसी से तो बन रहा है जो दो जो बन रहा है ये दो वाला जो है दो रंग सतह वाला इसी किनारे से दो तो हर जगह पे देखिए आप किनारे से बनेगा ये ये किससे बन रहा है दो वाला किनारे से बन रहा है यहाँ किनारा यहाँ भी किनारा यहाँ भी किनारा यहाँ भी किनारा तो ये किससे बनेगा ये किनारा से बन रहा है नीचे भी देख लीजिए यहाँ भी किनारा ठीक है हर जगह ये किससे बन रहा है किनारा से बन रहा है टोटल किनारा कितना होता है बारह किनारा होता है ठीक है अब एन माइनस टू क्या है वो समझाएंगे अभी टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी एक रंग वाला कितना हो जाएगा केंद्रीय घन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर ठीक है और जीरो रंग वाला तो अंदर होता है इसको तो आपको ध्यान में बस रख लेना है कि जीरो रंग वाला जो होता है अंतर केंद्रीय घन, ये क्या हो जाता है एन माइनस टू का होल क्यूब ठीक है अब ये फॉर्मूला सब कैसे आया है देखिए एक स्क्वायर सेप में एक फिगर लेते हैं एक दो तीन कट करते हैं यहाँ पे एक दो ये तीन अब एन यहाँ पे कितना हो जाएगा तो आपको दिख रहा है एन कितना यहाँ पे चार हिस्सा है एन कितना है यहाँ पे चार हिस्सा है कट कितना है कट तीन है तो अभी हम लोग मध्य घन का बात करेंगे इसका मध्य घन का फॉर्मूला कैसे आया है टू एल्व एन टू एन माइनस टू अगर आप एक किनारा को देखें सिर्फ आप एक किनारा को देखिए सिर्फ आप कितना किनारा को देखिएगा एक किनारा को तो आपको दिखाई देगा दिखा कि ये वाला दो होगा ये वाला दो होगा ये क्यूब है बस हम पहला फ्रंट पेज लिख के दिखा रहे हैं आपको ठीक है तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि एक किनारा से हमारा दो मध्य घन निकलता है एक किनारे से हमारा कितना निकलता है यहाँ पे मध्य घन कितना निकला हमारा दो निकला दो ठीक है अब अगर इसी फिगर को हम लोग और बढ़ाएँ थोड़ा सा मान लेते हैं तो इसमें करते हैं एक दो तीन चार पाँच फिर उसी तरह से एक यहाँ दो यहाँ तीन यहाँ चार यहाँ पाँच तो एन यहाँ पे कितना हो जाएगा पाँच कट किए हैं तो छः हिस्सा होगा अब यहाँ पे आप बताइए कि ये जो मध्य घन है ये जो मध्य घन है ठीक है एक किनारा से कितना होगा अभी सिर्फ हम एक किनारा की बात कर रहे हैं टोटल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ मध्य घन कितना होगा सिर्फ एक किनारा से ये रेड वाला देख के बताइए कोई भी देख लीजिए चलिए ऊपर से ही बता दीजिए यहाँ से एक किनारा से ठीक है तो आप कहिएगा यहाँ पे ये वाला जो दो है यहाँ ये वाला दो सतरंगा होगा ये वाला भी ये वाला भी तो यहाँ से जो है यहाँ पे कितना आ गया चार आ गया तो आपको ये एक चीज दिखाई दे रहा है जो मध्य घन का संख्या है वो n में से दो घटाने पर आ जा रहा है यहाँ भी n माइनस टू से हमारा मध्य घन आ जाएगा यहाँ भी n माइनस टू अर्थात छः माइनस दो से चार आ जाएगा तो ये फॉर्मूला यहीं से आया हुआ है ये n माइनस टू कहाँ से आया है यहीं से आया हुआ है और टोटल किनारा कितना होता है तो बारह किनारा होता है टोटल किनारा कितना होता है तो बारह किनारा होता है इसलिए हम लोग क्या किए इस फॉर्मूला को बारह मल्टीप्लाई कर दी और फॉर्मूला निकल गया टेल्व इंटू एन माइनस टू टूवेल्व इंटू एन माइनस टू अब जो है हम लोग ठीक है अब एन से देखेंगे हम लोग कि बीच में कितना आ रहा है तो आप देखिए एक वाला कितना होगा ये चार होगा ये कितना होगा ये चार होगा यहां पे देखते हैं एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार ठीक है ये देखिए अब यहाँ पे इसको गिनती करते हैं एक रंग वाला कितना हो गया एक रंग वाला अर्थात केंद्रीय घन तो आप कहिएगा ये, ये जो एक रंग वाला है ना एन कितना है पहला फिगर में चार है दूसरा फिगर में एन कितना है दूसरा फिगर में एन छः है तो इसमें भी एक रंग बताइए और इसमें भी एक रंग काउंट कर गिन करके तो बता ही सकते हैं तो आप कहिएगा पहला वाला जो फिगर है पहला वाला पहला वाला फिगर में ये टोटल चार है पहला वाला फिगर में ये कितना है ये चार है ठीक है दूसरे वाले फिगर में कितना है तो आप कहिएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह है दूसरे वाले में सोलह है दो रंग वाला कितना था तो आप कहिएगा दो रंग वाला इसमें दो था और दो रंग वाला इसमें कितना था दो रंग वाला इसमें जो था हमारा दो रंग वाला इसमें कितना है चार है ठीक है अब बस हमें इतना को हमें समझना है बस इतना समझ गए फॉर्मूला समझ गए और फार्मूला का जरूरत पड़ेगा ऐसे तो हम फार्मूला डायरेक्ट भी बता सकते थे लेकिन फार्मूला का जरूरत आपको पड़ेगा समझना पड़ेगा आपको ठीक है अब आप देखिए यहाँ से क्या आपको ये दो का स्क्वायर नहीं दिख रहा है चार और ये आपको चार का स्क्वायर नहीं दिख रहा है सोलह तो ये बिल्कुल ये दिख रहा है तो ये फार्मूला यहीं से ही जात हुआ है कि जितना दो रंग वाला होता है ना उसका दुगना होता है एक रंग वाला ये देखिए यहाँ पे अगर दो है तो ये टोटल चार है यहाँ पे अगर ये टोटल चार है तो ये टोटल बाकी जो है सोलह है चार का स्क्वायर है ठीक है ये टोटल स्क्वायर है चार का सोलह है तो अगर इसको एन के टर्म में परिभाषित करना है अगर इसको एन के टर्म में तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी होता है ना ये केंद्रीय घन कितना होता है तो आप कहिएगा एन माइनस टू का स्क्वायर होता है लेकिन ये तो एक सतह पे ये टोटल कितना सतह का बात कर रहे हैं ये टोटल एक सतह का ही बात कर रहे हैं हम लोग सतह होता कितना है टोटल छः सतह होता है तो इसमें हमें छः से गुना करना पड़ता है इसलिए फार्मूला जो बनता है इसका ये बनता है सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर और जीरो रंग वाला जो होता है ये फार्मूला जो है ये टोटल में से घटा करके निकाला गया है ठीक है ये टोटल में से घटा के निकाला गया है और वो हो जाता है एन माइनस टू का क्यूब ये फार्मूला यहाँ से नहीं बनाया गया है ये घटा के बनाया गया है टोटल जो फो क्यूब निकलता है ना अगर हम लोग किसी भी बड़े क्यूब को काटते हैं और उसमें से छुड़ छोटा छोटा टुकड़ा का जो क्यूब निकलता है तो कुल घन का जो संख्या हो जाता है कुल घन की संख्या वो हो जाता है एन क्यूब और जब एन क्यूब में से हम लोग बाकी सबको घटा देंगे तो जीरो रंग वाला कितना निकल जाएगा एन माइनस टू का क्यूब निकल जाता है चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्या करते हैं हम लोग रिवाइज कर लेते हैं शीर्ष घन वाला कितना हो जाएगा शीर्ष घन वाला तीन रंग का होगा और ये हमेशा आठ होगा मध्य घन वाला मिडिल क्यूब ये दो रंग का होगा और इसका फॉर्मूला होगा ट्वेल्व इंटू एन माइनस टू क्योंकि ये किनारे से बनता है इसलिए हमें इसे बारह से गुना करना होगा और एन से इसमें दो घटाना होगा केंद्रीय घन सेंटर क्यूब यह हमेशा एक रंग वाला होगा और क्योंकि ये सरफेस से बनता है सतह से इसलिए इसमें सिक्स से गुना करना होगा सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर होगा अंत केंद्रीय घन ठीक है ये जीरो रंग इसमें कोई भी रंग नहीं होगा ये अंदर से निकलता है ठीक है और इसका फॉर्मूला होगा एन माइनस टू का होल क्यूब कुल छोटे घनों की संख्या कितना हो जाएगा कुल छोटे घनों की संख्या हो जाएगा एन क्यूब एन क्यूब कुल कट कितना होगा तो हम कहेंगे जितना भी एन का संख्या होगा एन में एक घटाएंगे और तीन तरफ से कट कर रहे हैं इसलिए तीन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला थ्री इंटू एन माइनस वन अब एन जो होगा वो या तो हिस्सा से बता दे हमें कितना हिस्सा हुआ है या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे कि ये बड़ा सा घन है ठीक है तो ये मान लेते हैं छः सेंटीमीटर का है दो दो सेंटीमीटर का हमें निकालना है इसमें से दो कट करेंगे हम लोग ये दो ये दो ये दो या तो हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पे तीन हिस्सा हुआ है इससे भी हम लोग बता सकते हैं कि n बराबर तीन होगा या तो हमें कट बता दे अगर कट भी बोल दिया कि दो कट किए हैं तो भी हम लोग बता सकते हैं कि एन जो होगा तीन होगा क्योंकि एक ज़्यादा होगा ठीक है या तो हमें ये बता दे कि बड़ा भूजा कितना है बड़ा वाला क्यूब का भूजा कितना है और छोटा वाला क्यूब का भूजा कितना है अगर बड़ा वाला क्यूब का भूजा छः है तो छोटा वाले का दो निकालना है तो एन निकलेगा तीन ये यही फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है तो n का फॉर्मूला हम लोग हर तीन तरीका से यहाँ पे निकाल सकते हैं n निकला बाकी कुछ भी निकल जाएगा देख रहे हैं सारा फॉर्मूला n पे ही बेस्ड है बस n पता करना है फॉर्मूला हमारा निकल जाएगा तो n क्या होगा बड़े घन की भुजा डिवाइड बाय छोटे घन की भुजा ठीक है ये हमारा फॉर्मूला हो गया और यहाँ पे राम कहानी इसका समाप्त हो गया अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं चलिए अब बारी बारी से हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं देखिए मैट 2010 का क्वेश्चन है एक घन में सदैव होते हैं आठ कोना सही बात है छः फलक सही बात है बारह किनारा सही बात है ये सभी हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा ये सभी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं एक घन या में कितने फलक होते हैं तो छह फलक होते हैं ये सब चीज तो तुरंत बता दीजिएगा एक घन या घना के प्रत्येक फलक के कितने विपरीत फलक होते हैं एक के विपरीत कितना होता है देखिए ये वाला के विपरीत क्या है यही वाला तो है यही ना है तो एक के विपरीत एक ही होगा ठीक है प्रत्येक फलक के विपरीत में एक ही फलक होगा एक घन या घना में कितने अदृश्य कोने होते हैं बता चुके हैं आपको कितना अदृश्य कोना होता है ठीक है देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात सात दिखता है और एक जो यहाँ वाला होता है ये हमें दिखाई नहीं देता है तो एक कोना जो होता है अदृश्य होता है वो दिखाई हमें नहीं देता है आगे बढ़ते हैं एक घन या घना में प्रत्येक फलक के कितने निकटवर्ती फलक होते हैं देखिए निकटवर्ती फलक कितना होगा पाँच होगा या चार होगा चार होगा ठीक है कितना हो जाएगा चार हो जाएगा कैसे देखिए इससे समझते हैं यहां जल्दी समझ जाएगा देखिए अगर ये आगे वाला है ना ये आगे वाला तो एक तो इसके पीछे होगा एक इसके पीछे होगा ठीक है पीछे वाले को छोड़ करके ये जो चार है एक दो तीन चार एक दो तीन फिर नीचे से चार ये चारों क्या है इसके तो सटा हुआ है इस वाले सरपेस से ये भी सटा हुआ है इस, इस वाले से ये भी सटा हुआ है इस वाले से ये भी सटा हुआ है इस वाले से ये भी सटा हुआ है तो किसी भी फलक के चार फलक जो होते हैं उससे सटे हुए होते हैं ठीक है एक सिर्फ विपरीत होगा और एक वो खुद होगा अर्थात अगर इसको लीजिएगा आप लोग हम लोग इसको अगर लेंगे तो एक तो ये खुद हो गया और एक इसका विपरीत इसके नीचे में होगा यहाँ पे और बाकी जो ये आपको चारों दिख रहा है ये चारों ठीक है ये चारों ये क्या होगा इससे सटा हुआ होगा तो एक घन या घनाप के किसी भी ओर से कितने निकटवर्ती फलक होंगे तो चार होंगे इसके बाद है एक घन या घना आपको किसी भी ओर से देखने पर कितने फलक दिखाई पड़ते हैं तीन फलक दिखाई पड़ते हैं कितने फलक दिखाई पड़ते हैं तीन फलक यहाँ देख भी सकते हैं एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है किसी भी घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है बिल्कुल ये तीनों चीज़ समान होता है किसी भी घन में ठीक है ये तीनों चीज़ क्या होता है हमारा हमेशा ये कोई भी साइड आप लीजिएगा ये सारा का सारा क्या होगा ये एक ही बराबर का होता है और अगर बराबर नहीं होगा तो यही क्या हो जाता है घनाभ हो जाएगा घनाभ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है तो पहला लाइन सही है दूसरा बोल रहा है किसी भी घना में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई असमान होती है यहाँ पे असमान बोला तो बिल्कुल ये भी सही है घनाब में असमान होगा घन या घनाब एक त्रिआयामी आयामी वस्तु है अतः थ्री डी वस्तु है बिल्कुल थ्री डी वस्तु है थ्री डी है तभी तो हम लोग को सारा कुछ दिखाई नहीं देता है तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सारा सही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन है नंबरिंग को अवॉइड कीजिएगा चौदह नंबर क्योंकि जहाँ तहाँ से क्वेश्चन लिया हुआ रहता है तो जो नंबर होता है फिर नंबर को अगर समय मिलता है चेक बदल देते हैं नहीं मिलता है तो नहीं बदलते हैं देखिए क्वेश्चन है, है यहाँ पे तीन सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को एक सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे कनों में छोटे घनों में विभाजित किया जाता है ठीक है मैट दो का क्वेश्चन है तो देखिए एन निकाल लेते हैं हम लोग तुरंत में बड़ा वाला का कितना है भूजा तीन छोटा वाला का भूजा कितना है एक तो एन कितना हो जाएगा यहाँ से तीन तो एन हो गया हमारा तीन अब छोटे घन को प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना पड़ेगा देखिए एन अगर तीन है तो कितना बार काटना होगा कट कितना लगता है एक बार कम लगता है तो आपको इतना पता होगा दो हो जाएगा आंसर कुल छोटे घने की संख्या कितनी होगी छोटे घनों की संख्या पता है आपको कुल घन की संख्या एन क्यूब होता है फॉर्मूला तो अब रट गया होगा नहीं रटा है तो एक बार पीछे से ढंग से इसको पढ़ लेना है ठीक है किसको ढंग से पढ़ लेना है एक बार इसको ढंग से पढ़ लेना ऐसे तो आप सवाल बनाते बनाते अभी आपको रटा देंगे कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी एन क्यूब हो जाएगी तो एन कितना है तीन है तो तीन का क्यूब कितना हो जाएगा तीन का क्यूब हो जाएगा सत्ताईस सी नंबर हो जाएगा कुल शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी देखिए शीर्ष घन हमेशा आठ होगा ठीक है इसमें कुछ अगर मगर सोचना ही नहीं है शीर्ष घन वही वाला जो कोना पर से निकलता था कुल मध्य घनों की संख्या कितनी होगी ठीक है मध्य घनों की संख्या कितनी होगी तो फार्मूला आता है निकाल लेते हैं मध्य घन का फॉर्मूला होता है ट्वेल्व इंटू एन माइनस टू ठीक है तो एन कितना है एन है यहाँ पे तीन तीन माइनस दो तो यहाँ पे हो जाएगा बारह गुना एक बराबर बारह तो हो जाएगा सत्रह का बी चलिए आगे बढ़ते हैं कुल केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी केंद्रीय घन कैसे निकलता है तो आप कहेंगे सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है तो एन कितना है तीन है तीन माइनस दो एक होता है तो ये छः गुना एक हो जाएगा तो ये छः ही देगा तो ये कितना हो जाएगा छः कुल अंत केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी तो कुल अंत केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी तो आपको फॉर्मूला बताए हुए हैं एन माइनस का होल क्यूब हो जाता है ये जीरो रंग वाला होगा तो तीन माइनस दो का क्यूब हो जाएगा जो कि हो जाएगा एक का क्यूब जो कि हो जाएगा एक तो आंसर हो जाएगा हमारा एक नंबर एक घन की प्रत्येक भुजा कितने भागों में विभक्त होगी घन की प्रत्येक भुजा कितने भागों में विभक्त हुई कितना भाग होगा ये तो एन शुरू में ही निकाल दिए यही तो पूछ रहा है कितना भाग होगा तो ये तीन भाग होगा सी नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं देखिए सवाल है एक इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर तीन इंच किनारे का एक ठोस घन बनाया गया है देखिए क्या किया गया है एक इंच किनारे लकड़ी वाला है एक इंच वाला एक लकड़ी है ठीक है लकड़ी का छोटा घन है उसको क्या किया गया एक साथ रख के तीन इंच किनारे का एक घन बनाया गया ठीक है फिर उस बड़े घन पर बाहर सब और लाल पेंट कर दिया गया देखिए ये काटने नहीं बोल रहा ये ऑलरेडी कटा हुआ ही बोल रहा है ठीक है ये क्या बोल रहा है ये कटा हुआ ही बोल रहा है ये एक ये दो ये तीन ठीक है तीन इंची वाला हो गया इधर भी हो जाएगा एक दो तीन अब इसको क्या बोल रहा है ये पूरा से इसको हम लाल रंग से रंग दे रहे हैं इसको गोटा बना दिया इसको क्या कर रहा है गोटा बना दिया तो चिपका दिया इसको ठीक है इसको लाल रंग से रंग दिया फिर उस घन पर क्या बोल रहा है कि बाहर सब और लाल पेंट कर दिया गया जब भरे घन को मूल छोटे घनों में तोड़ा गया और जब इसको लाल रंग से रंग दिया ना इसको फिर से तोड़ दिया अर्थात फिर से इसको अलग अलग कर दिया टोटल घन यहाँ से फिर पता चल गया आपको कितना निकलेगा नौ घन निकलेगा ऐसे तो ठीक है इसके बाद क्या बोल रहा है तोड़ा है, तो घनों के चारों और तो कितने घनों के चारों और लाल पेंट होगा जाए इतना तो देखना ही नहीं था क्योंकि आपको तो बता चुके हैं मैक्सिमम कितना घन लाल हो सकता है तीन होगा ये वाला तीन से अधिक सतह किसी का भी रंगा हुआ नहीं हो सकता है चार पूछ रहा है जीरो हो जाएगा आंसर ठीक है पहले देख लेते हैं लास्ट लाइन कि चार रंग पूछ रहा है तो इतना कुछ करते भी नहीं किसी भी घन का चार सतह रंगा हुआ नहीं हो सकता अगर उसको तोड़ के बनाया गया है तो ये अगर गोटा घन है इसको रंगेंगे तो छो सतह इसका रंगा हुआ हो सकता है लेकिन अगर इसमें से हम लोग काट के निकालेंगे तो मैक्सिमम कितना सतह रंगा हुआ हो सकता है तीन सतह रंगा हो सकता है कौन वाला ठीक है ये वाला ही जो कोना पर से निकलेगा ये तीन सतह होगा एक इधर एक इधर एक इधर सिर्फ इसका ही तीन सतह रंगा हुआ होगा चलिए आगे देखते हैं एक घन को इस प्रकार से रंगना है कि साथ लगने वाली भुजाओं का रंग साथ लगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा ना हो इसके लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी ठीक है तीन रंग की आवश्यकता होगी ठीक है देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बस आपसे ये पूछ रहा है कि इसको हमें रंगना है ये इसको सब बगल से हमें क्या करना है रंग देना है ठीक है इसको क्या करना है हमें रंग देना है लेकिन ये बोल रहा है कि रंगने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अगल बगल वाली भुजा जो है जो सात सेट रहा जैसे मान लीजिए ये रंग है और ये रंग है ये क्या होना चाहिए ये दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए ये दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे ये जो ऊपर में जो रंग है सीधा इसके नीचे एक रंग करेंगे ये दोनों कभी सटेगा ही नहीं उसी तरह से ये जो आगे है ठीक इसके पीछे वाले को वही रंग से रंग देंगे ठीक है और फिर जो इधर है फिर वो इधर से रंग देंगे तो टोटल कितने रंग की जरूरत पड़ेगी हमें टोटल तीन रंग की जरूरत पड़ेगी ठीक है आगे पीछे रंग देंगे सबका छः सतह है आगे पीछे सबका रंग देंगे कोई एक दूसरे से सटेगा भी नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं एक घन को सभी छः ओर से लाल रंग से रंग दिया जाता है तब उसे सत्ताईस बराबर छोटे घनों में काट दिया जाता है ठीक है छोटे घनों की संख्या दे दी गई है जो काट करके छोटा घन बनाया, बनाया गया है टोटल कितना घन बनाया गया है सत्ताईस बनाया गया है ऐसे कितने कितने घन ऐसे हैं जो केवल एक ओर से रंगे हुए हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखिए टोटल का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बोलेंगे एन क्यूब होता है यहाँ से एन निकल जाएगा तीन अब एक रंग की ओर से फॉर्मूला तो एक रंग वाला फार्मूला आपको बस रटा हुआ होना चाहिए सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पे सिक्स हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा तीन माइनस दो का होल स्क्वायर तो यहाँ से फिर सिक्स हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा छः हो जाएगा तेईस नंबर क्या हो जाएगा छः बी ऑप्शन आगे बढ़ते हैं बहुत ही आसान सा सवाल है सारा एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है पीले रंग से रंगे एक घन को बराबर आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है कितने घन ऐसे हैं जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई है ये तो अभी तुरंत ही बनाए एन बराबर तीन होगा एक रंग वाला कितना हो जाएगा छः गुना तीन माइनस दो का होल स्क्वायर उसका यह तो तुरंत ही बनाए सेम क्वेश्चन है रिपीट है यूपी बी में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन चलिए ठीक है तीन इंच आकार के एक घन को एक लाल रंग से रंगा गया है फिर उस घन को सत्ताईस छोटे और बराबर घनों में काटा गया इन छोटे घनों में कितने घनों में दो और लाल रंग मिलेगा ठीक है देखिए n क्यूब कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से सत्ताईस दिया हुआ है छोटे घनों कितने छोटे घन बनाया गया है तो n बराबर तीन हो जाएगा ठीक है n बराबर तीन हो जाएगा अब इसके बाद बोल रहा है कि दो और हमें चाहिए लाल रंग तो दो रंग वाला फॉर्मूला लगा दीजिए दो रंग वाला फॉर्मूला क्या है ठीक है अच्छा पीछे कितना था फॉर्मूला एक रंग वाला ना था पहला आठ तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था टूवेल्व इंटू एन माइनस टू टूवेल्व इंटू एन माइनस टू क्योंकि ये किससे निकलता था ये किनारे से निकलता था दो रंग वाला तो अब इसमें कुछ नहीं करना है फॉर्मूला पुट कर दीजिए तीन माइनस दो एक होता है बारह गुना एक बारह ही हो जाएगा तो पच्चीस का आंसर हो जाएगा सी नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं एक ठोस गन छोटे छोटे चौंतीस टुकड़ों में प्रयोग करते हुए बनाया गया है इनमें से कितने छोटे घन बिल्कुल दिखाई नहीं देते दिखाई नहीं देते कौन वाला है जीरो रंग वाला जिसमें कोई रंग नहीं होगा जो अंदर से होगा अंत केंद्रीय घन ठीक है जो इनर वाला होगा इनर सेंट्रल क्यूब तो एन क्यूब यहाँ पे चौंसठ दिया हुआ है तो एन बराबर चार हो जाएगा ठीक है अब फॉर्मूला क्या था इसका एन माइनस टू का होल क्यूब अंत केंद्रीय घन का जो कि एकदम अंदर होगा तो चार माइनस दो का होल क्यूब तो चार माइनस दो दो हो जाएगा दो का क्यूब आठ हो जाएगा तो आंसर आठ मार दीजिए डी दी नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है एक ठोस घन की दो आसन शतो आसन मतलब सटा हुआ सतह को पीला रंग से ठीक इनकी विपरीत सतहों को लाल रंगों से तथा तो शेष को काले रंगों से रंगा गया है इसके पश्चात इसे चौंसठ छोटे रंगों में छोटे घनों में काटा गया ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है देखिए यहाँ पर सिर्फ रंगी हुई है पूछ रहा है ठीक है जब रंगा हुआ सिर्फ पूछ रहा है ना आपसे ये नहीं बोला लाल हरा पीला अगर अलग से पूछता ना यहाँ से कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह पीली रंग से रंगी हुई है एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है तब ये क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता है ठीक है तब वहाँ पे हम लोग सतर्क रहेंगे ऐसा क्वेश्चन अभी आगे आएगा लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया एन क्यूब आपको चौंसठ दिया हुआ है एन हमारा चार हो जाएगा और एक सतह रंगी हुई है तो एक सतर रंगी हुई का फॉर्मूला होता है सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर सिक्स इंटू फोर माइनस टू का होल स्क्वायर चार माइनस दो फिर छः गुना और यहाँ से निकल जाएगा दो का स्क्वायर चार बराबर हो जाएगा चौबीस तो सी नंबर आंसर हो जाएगा सत्ताईस का सी नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं एक ठोस घन की दो आसन सतह एवं एक विपरीत सतह लाल रंग से रंगी हुई है दो विपरीत सतह पीले रंग से और अन्य से सतह हरे रंग से ठीक है देखिए यहाँ पे कहानी क्या है ना कुछ इस तरह से कहानी है फिगर भी आपको बता देते हैं फिगर ब्लैक से ले लेते हैं देखिए इस तरह से यह यहाँ पे कहानी है अब इसमें क्या बोल रहे हैं दो आसन सतह क्या है और एक विपरीत सतह लाल रंग से है अर्थात मान लेते हैं ये लाल है ये लाल है ठीक है और एक का विपरीत सतह तो मान लेते हैं इसका विपरीत कहाँ होगा इसका विपरीत यहां पर होगा ठीक है यहां पर तो मान लेते हैं कि ये भी लाल है ठीक है इसके बाद दो विपरीत सतह पीले रंग से दो विपरीत सतह पीले रंग से तो एक तरफ इधर पीला कर दीजिए यहाँ वाला ठीक है और एक इसको पीला कर दीजिए ठीक है ये दोनों क्या है पीले सतह से अन्य शेष सतह हरे रंग से तो जो एक बच गया यो पे ये क्या है हरा रंग से सतह हो गया टोटल हमारा ठीक है टोटल क्या हो गया सतह हो गया ये पीला वाला किसके पीछे होगा ये पीला वाला ये जो है इस वाले पीला के पीछे ये लाल वाला जो है ये लाल वाले के पीछे और जो ये लाल वाला है जो ओरिजिनल में लाल रंग से भी टॉट से दिखा रहे हैं ये लाल वाला इसके पीछे होगा हरा वाले के पीछे ठीक है इस तरह से ये फिगर आपको देखना होता है अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके उपरांत घन को चौंसठ बराबर घनों में काटा जाता है ठीक है तो एन बराबर तो चार हो गया इसके बाद बोल रहा है ऐसा करने पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो देखिए अब यहाँ पे पहले आपको समझना है एक सतह लाल रंग से रंगी हो पिछला क्वेश्चन जो था वो भी एक सतह ही रंगा हुआ था लेकिन वहाँ पे ये नहीं पूछा था कि लाल रंग से तो वहाँ पर हम लोग कैसे क्वेश्चन को बनाए वहाँ पे हम लोग सवाल को इस तरह से डील किए कि सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर होता है ये जो छः है ये क्या है तो आप कहेंगे ये जो छः है ना ये छः फलक है ये छः सतह है ये छः सरफेस है तो अब अगर हमें लाल रंग के लिए निकालना है क्या निकालना है जिसका केवल एक सतह लाल रंग से रंगा हुआ हो तो एक सतह लाल रंग से रंगा हुआ है तो लाल वाला कितना सतह है तो आप कहिएगा यहाँ पे एक यहाँ पे एक और एक यहाँ पर एक तो लाल वाला जो है टोटल वो तीन ही सतह है लाल वाला सतह कितना है वो तीन ही है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे छः से गुना करेंगे तीन से गुना करेंगे तो आप कहिएगा छः से गुना नहीं करेंगे क्योंकि जो एक रंग वाला जो क्यूब निकलता है वो सतह से निकलता है और यहाँ पर लाल रंग का जो सतह है वो तीन ही सतह है तो फॉर्मूला हमारे लिए यहाँ के क्वेश्चन के लिए हो जाएगा थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर इसीलिए बोल रहे थे कि आपको समझना पड़ेगा अगर शुरू में समझे हुए वो कहानी नहीं रहते तो आपको यहाँ पे अभी बहुत दिक्कत होता है ठीक है तो जब भी क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा जबकि एम का क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन होता है एम का फिर भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा थ्री इंटू फोर माइनस टू का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ के लिए ठीक है इस वाले सवाल के लिए इसके बाद हो जाएगा थ्री इंटू चार माइनस दो दो का स्क्वायर चार तो यहाँ पे हो जाएगा बारह सी नंबर आंसर हो जाएगा बात समझे पूछ रहा था केवल एक सतह लाल रंग से रंगा हुआ होना चाहिए और एक सतह जो लाल रंग से रंगा हुआ होना चाहिए वो हमें पता है वो कहाँ से निकलता है वो बीच से निकलता है इस बीच वाला जगह पर से यहाँ पर से सेंटर से निकलता है ठीक है एक सतह जो रंग होता है वो क्या होता है केंद्रीय क्यूब होता है केंद्रीय घन होता है ठीक है तो वो लाल रंग वाला जितना सतह होता है वही वह निकालना है हमें सिर्फ तो लाल रंग वाला तीन ही सतह है तो हम लोग तीन से गुना कर दिए ठीक है एक सतह से कितना निकलेगा चार और तीन सतह से कितना निकल जाएगा बारह अर्थात चार यहां से निकलेगा चार यहां से निकलेगा और चार यहां से निकलेगा बारह निकल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए तीन सेंटीमीटर भुजा वाले ठेस घन के विपरीत फलक युग्मों को क्रमशः काले नीले और पीले रंगों से रंगा गया है ठीक है देखिए अपोजिट वाले सबको काला पीला और नीला रंग से रंगा गया है इसके पश्चात इसे एक सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाने हेतु काटा गया है तो एन बराबर सबसे पहले निकाल लीजिए तीन बटा एक तीन हो जाएगा बड़ा वाला घन तीन है तीन सेंटीमीटर भुजा वाला है और छोटा वाला एक सेंटीमीटर का है इसके बाद बोल रहा है कितने घनों का केवल एक फलक रंगा गया है देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन आसान सा हो गया क्योंकि यहाँ पे रंगा तो गया है लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि आपको एक फलक जो रंगा गया है वो हरा वाला चाहिए कि नीला वाला चाहिए कि पीला वाला चाहिए तो ये क्वेश्चन आसान सा हो गया अब एक फलक रंगा हुआ का फॉर्मूला क्या होता है तो आप कहिएगा सिक्स इंटू एन का होल स्क्वायर होता है तो एन यहाँ पे तीन है तीन माइनस दो हो जाएगा सिक्स गुना एक ही हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी नंबर ठीक है चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एक घन को रंगने के लिए तीन रंगों का प्रयोग किया गया है रंग व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी रंग दो आसन सतहों पर प्रयोग नहीं हुआ है देखिए आसन पर नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ऑपोजिट सरफेस को रंगा जाएगा ठीक है अगर आस पास नहीं सट रहा है ठीक है यहाँ मेरी तरफ देखिएगा अगर ये नहीं सट रहा है तो पक्का बात है और तीन ही रंग है तो एक तो यहाँ होगा तो पक्का दूसरा नीचे होगा इसके तभी ये आपस में नहीं सटेंगे रंग एक दूसरे से ऐसा क्वेश्चन एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप शुरू में था भी उसके बाद क्या बोल रहा है इसके पश्चात इसे चौसठ छोटे घनों में काटा गया है ठीक है तो एन बराबर कितना हो जाएगा सबसे पहले एन बराबर चार हो जाएगा अगर चौंसठ टोटल घन में काटा गया है तो दिए गए घन से कुछ ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी सिर्फ एक सतह रंगीन होगी किसी एक रंग के ऐसे एक सतह रंगीन घनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ठीक है यहाँ पे भी आपसे क्या पूछ रहा है कि एक रंग का कोई भी एक रंग का अधिकतम ऐसा कितना घन हो सकता है जिसका सिर्फ एक सतह रंगा हुआ होगा तो आपका ये टोटल तीन रंग यूज हुआ है ना तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले एक रंग वाला निकाल लेते हैं ठीक है एक रंग वाला निकाल लेते हैं ठीक है तो एक रंग वाला का फॉर्मूला क्या होता है आप कहिएगा सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर होता है सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर होता है तो एक तो यहां से भी आप बना सकते हैं ठीक है तो यहां से आप कैसे बनाएंगे तो सिक्स हो जाएगा और एन कितना हो जाएगा एन यहाँ पे चार है चार माइनस दो का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो छः गुना दो का स्क्वायर चार हो जाएगा चौबीस अब ये तो तीनों रंगों का निकल गया अगर आपको किसी भी एक रंग का निकालना है तो आपको पता है कि तीन से भाग करना होगा तो किसी का भी मैक्सिमम कितना हो सकता है आठ हो सकता है कोई भी एक घन एक ही रंग का मैक्सिमम कितना हो सकता है आठ हो सकता है ये एक तरीका हो गया दूसरा तरीका क्या हो सकता है हम कहेंगे आप हमें कोई एक ही कलर का निकालना है ना तो कोई भी एक कलर का कितना है मैक्सिमम कोई भी एक कलर का मैक्सिमम कितना है कोई भी एक कलर का तो उसका कितना सतह मैक्सिमम है तो दो सतह मैक्सिमम है क्योंकि दो ही सतह को तो इस्तेमाल किया गया है ना तो फार्मूला हमारे लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि टू इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर टू इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर तो ये दो हो जाएगा एन यहाँ पे चार है चार माइनस दो का होल स्क्वायर ये दो यहां से दो गुना दो चार यहाँ से भी आठ निकल जाएगा तो दोनों ही तरीके से हम लोग सवाल बना सकते हैं जैसे बनाना है वैसे बनाइए आगे बढ़ते हैं देखिए एक ठोस घन की चार सतहों को हरे रंग से देखिये चार सतहों को हरे रंग से तथा दो विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा गया है इन्हें चौसठ छोटे छोटे घनों में काटा गया है अगर छोटे छोटे घनों में काटा गया है तो एन बराबर तो पहले चार हो गया ऐसे कितने घन है जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा गया है ठीक है ऐसे कितने घन है जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा गया है देखिए इसके लिए फिगर बना देते हैं तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा देखिए मान लेते हैं ये लाल ये लाल अपोजिट वाला दो क्या है दो अपो अच्छा अपोजिट वाले को लाल से रंगा गया है माफ़ कीजिएगा ये लाल हटाना होगा चलिए मान लेते हैं एक ये वाला लाल एक ये वाला लाल है तो इसका पीछे वाला यहाँ पे होगा तो एक लाल यहाँ पे होगा ये दोनों अपोजिट वाला लाल है इसके अलावा बाकी सबको क्या बोल रहा है बाकी सारा जो है हरा रंग है तो ये हरा हो जाएगा ये भी हरा हो जाएगा और यहाँ पे जो बगल में है ये भी हरा हो जाएगा और इस वाले हरा के नीचे जो यहाँ पे रंग होगा ये भी वाला हरा रंग हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर बोल रहा है ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा गया है ठीक है लाल रंग से जितना रंगा गया है सिर्फ हमें वो घन बताना है तो आप आसानी से एक तो ये समझ सकते हैं कि अगर n बराबर चार है चार चार हिस्सा है देखिए इस लाल रंग को समझिए लाल वाला जो इंटरफेस है सिर्फ उसको समझिए मान लीजिए ये टोटल लाल है इसमें क्या है चार चार आ रहा है ठीक है तो चार चार आ रहा है तीन कट हुआ होगा ठीक है इसमें कितना हुआ होगा तीन कट हुआ होगा तो एक इंटरफेस से कितना लाल रंग निकल जाएगा तो आपको पता होगा चार स्क्वायर सोलह निकल जाएगा कितना निकल जाएगा सोलह निकल जाएगा एक आगे से सोलह एक पीछे तरफ से भी सोलह तो सोलह प्लस सोलह कितना हो जाएगा बत्तीस हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा सी नंबर बत्तीस ठीक है इसको डायरेक्ट ही समझना होगा आपको क्योंकि इसमें कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं आप। आपको समझना सिर्फ यही यह है इसमें देखिए इससे समझाते हैं ठीक है देखिए इधर देखिए एक तो ये एक तरफ इस तरफ इधर अगर लाल रंग लगा हुआ है इस तरफ और इधर भी लाल रंग लगा हुआ है ठीक है और अगर इसको तीन तीन टुकड़ा किए तो चार चार बना हमारा एन कितना बना चार बना तो एन पहला लाइन में चार होगा दूसरे लाइन में फिर चार होगा फिर तीसरे लाइन में चार होगा और चौथे लाइन में भी चार होगा इस पर टोटल में क्या होगा इस पर लाल रंग होगा इस पर क्या होगा लाल रंग होगा ठीक है इस पर क्या होगा लाल रंग होगा ठीक उसी तरह इधर भी होगा तो सोलह इधर और सोलह इधर टोटल कितना हो जाएगा बत्तीस हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बत्तीस और यहाँ पे केवल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है अगर केवल शब्द का इस्तेमाल करता तो यहाँ पे बत्तीस आंसर नहीं होता तब ये जो आपको ये कोना से ये जो चार दिख रहा है ना ये घट जाता क्योंकि इसमें हरा रंग भी होगा जो सटा हुआ है ना देखिए ये वाला पोर्शन ये समझिए ये।, ये वाला जो चार्ट होगा ना इसका एक सरफेस हरा भी होगा लेकिन हमें ये नहीं बोल रहे यहाँ पर केवल लाल नहीं बोल रहा था अगर केवल लाल बोलता तो हमें इसे घटाना पड़ता ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है देखिए वही क्वेश्चन फिर बोल ही दिया ठीक है क्वेश्चन बोल ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं है केवल लाल रंग से कितना रंगा हुआ, हुआ होगा केवल लाल रंग से तो आप बोलिएगा केवल लाल रंग से सिर्फ वही रंगा हुआ होगा जो बीच में होगा अगर किनारे पर कोई भी होगा तो उसमें हरा रंग लग जाएगा किनारे पर अगर कोई भी होगा ना ये किनारे पर तो ये हरा रंग इसमें लगना ही लगना अगर इधर लाल है इधर अगर हरा है तो जाहिर सी बात है जो भी क्यूब यहाँ से कट के निकलेगा ना इस जगह पर से तो ये देखिए यहाँ से लाल हरा लाल हरा लाल हरा लाल हरा लाल हरा Osionfish. ये क्या हो जाएगा लाल हरा लाल हरा लाल हरा निकल जाएगा किनारे पर से ठीक है तो हमें क्या करना है किनारे पर से वाले को नहीं गिनना है दो तरीके से बना सकते हैं एक तो बत्तीस में से आप इस चार यहाँ से निकलेगा चार यहाँ से निकलेगा चार चार आठ उसी तरह आठ उधर से निकलेगा तो आठ आठ सोलह हो गया तो बत्तीस में से आप सोलह घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा सोलह आंसर कितना हो जाएगा सोलह क्या सोलह ही आंसर होगा नहीं ये जो ऊपर से होगा ये भी घट जाएगा ठीक है ये जो ऊपर से होगा हमारा ये भी घट जाएगा ठीक है तो इससे अच्छा बेहतर तरीका क्या है यहाँ पे आठ और घट जाएगा दो दो चार दो छः दो आठ तो अब जो बचेगा आठ बचेगा तो ये घटा करके थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है कि इतना घटाएंगे इसको घटाएंगे उसको घटाएंगे उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं ठीक है थीके? इस क्वेश्चन में कि डायरेक्ट समझते हैं इसमें डायरेक्ट क्या समझते हैं कि ऐसा कितना सेंटर होगा ठीक है सेंटर कर रहे हैं ऐसा कितना सा जगह होगा जो कि डायरेक्ट होगा मतलब कि जो सिर्फ लाल होगा डायरेक्ट समझने की कोशिश करते हैं इसको तो इसको पहले मिटा लेते हैं उसके बाद समझाते हैं देखिए इस बार ऊपर वाले फेस में लाल को रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो बाकी को मत समझिए सिर्फ आप एक इंटरफेस समझिए ये वाले को ठीक है तीन कट किया हुआ है क्योंकि एन चार है तो एक दो तीन तो एन यहाँ पे चार कौन कौन सा हो जाएगा एन यहाँ पे चार कौन कौन सा हो जाएगा जिसमें सिर्फ लाल होगा देखिए इसमें लाल होगा ये सिर्फ और सिर्फ लाल होगा क्योंकि इसमें हरा से कहीं इधर हरा है इधर हरा, हरा है नीचे हरा है इधर हरा है तो इससे सट ही नहीं रहा है ये भी नहीं सट रहा है ये भी नहीं सट रहा है ये भी नहीं सट रहा है तो लाल वाला कितना फलक है आप बोलेंगे लाल वाला दो फलक है तो एक फलक से चार निकल रहा है तो चार उधर से भी तो आएगा तो चार प्लस चार आठ हो जाएगा ऐसे समझिएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये घटाने में सर दर्द लगेगा क्या हमें सबको घटाना होगा चलिए आगे देखते हैं ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह हरे रंग से रंगी हुई है जिनकी केवल एक सतह हरे रंग से रंगी हुई है ठीक है चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है अब हरे रंग से अगर सिर्फ सतह रंगी हुई है तो बताइए कितना होगा चार अभी देखिए लाल को अब आप तुरंत इसको हरा समझ लीजिए ये वाला जो चार अभी किए ना इसको आप हरा समझ लीजिए तो एक सतह से चार निकल रहा है तो हरा का टोटल कितना सतह है आप बोलिएगा हरा का टोटल चार सतह है तो कितना निकल जाएगा आंसर हो जाएगा सोलह सैंतीस का हो जाएगा बी नंबर चले थर्टी एट नंबर देखते हैं ऐसे कितने घन हैं ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह हरे रंग से रंगी हुई है देखिए अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऐसे कितने घन हैं जिसकी कम से कम एक सतह हरे रंग से रंगी हुई है तो आप सिर्फ इसमें ये निकाल लीजिए ठीक है क्योंकि एक सतह तो सबका हरा रंग से रंगा हुआ ही होगा जो भी रंगा हुआ है आप बोलेगा ऐसा कैसे लाल वाला भी तो होगा हम कहेंगे लाल वाला होगा लाल वाला होगा लेकिन ज़्यादा नहीं कौन सा होगा यही चार चार आठ ही तो है यही वाला ना होगा इसके अलावा कौन होगा इसके अलावा समझिए इसके अलावा कौन कौन सा होगा इसको सबसे अच्छा तरीका बनाने का क्या है तो हम कहेंगे टोटल जो है हमारा वो चौंसठ है इसमें से आठ घटा देंगे हम लोग जो केवल लाल है उसमें हरा आ ही नहीं सकता है ठीक है जो कहाँ से निकला होगा अभी तुरंत बताए थे ये बीच से निकला होगा ठीक है और पीछे से भी आया होगा बीच से और जो अंदर में होगा जो अंदर में कहाँ जो बीच से निकला होगा पेट चीर करके अंत केंद्रीय क्यूब जो कैसे निकलता है एन माइनस टू का क्यूब से निकलता है तो उसको भी निकाल लेते हैं माइनस एन माइनस टू का क्यूब तो चौंसठ में अगर इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तो एन माइनस टू का क्यूब नीचे कर लेते हैं तो एन कितना है यहाँ पे चार है तो चार माइनस दो का क्यूब तो ये हो जाएगा आठ और ये आठ तो चौंसठ में से हमें टोटल कितना घटाना होगा ये आठ और ये भी आठ तो सोलह घटाना होगा चौदह में से छः गया आठ और पाँच में से एक गया चार टोटल अड़तालीस ऐसा होगा जिसमें कम से कम हरा एक तरफ होना ही होना है ऐसा भी होगा कि हरा लाल भी है हरा हरा भी है हरा हरा हरा, हरा है अर्थात तीन तरफ हरा है लेकिन हमें क्या पूछ रहा था कम से कम एक हरा कम से कम एक हरा तो हम लोग क्या किए हमें पता है टोटल चौंसठ है तो हम लोग सिर्फ लाल वाला निकाल दिए और वो निकाल दिए जिसमें रंग ही नहीं है तो बाकी सब में तो हरा है ही ठीक है बाकी सब में तो हरा है ही तो घटा के निकाल लिए तो यहाँ से आसानी से निकल इसके गया इसके बाद क्या है ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह हरे रंग से रंगी हुई है अब देखिए जिसको तीनों सतह हरे रंग से रंगी हुई है क्या ऐसा कोई होगा संभव है चलिए इसको जरा समझते हैं इसको जरा सा समझते हैं बोल रहा है तीनों सतह हरे रंग से रंगी हुई होनी चाहिए ठीक है ये हरा था यह हरा था यह हरा था यह हरा था तीनों सतह हरे रंगे से रंगने के लिए क्या होना चाहिए ये लाल हो जाएगा ये भी लाल हो जाएगा ठीक है ये लाल हो जाएगा और यहाँ वाला भी लाल हो जाएगा अब देखिए तीनों सतह हरा रंग से तो तभी रंगा हुआ होगा ना जो अगर वो कॉर्नर वाला क्यूब होगा शीर्ष वाला क्यूब तो वो यहाँ पे होना चाहिए या तो यहाँ पे होना चाहिए या तो यहाँ पे होना चाहिए या तो यहाँ पे होना चाहिए तीन रंग तो यहीं से निकलता है पहले हम बात कर रहे हैं सिर्फ तीन रंग का अभी आप लाल हरा पीला भूल जाइए तीन रंग तो सिर्फ यहीं से निकलता है पहला बात इतना क्लियर हो गया अब आप एक बात बताइए क्या ऐसा कोई भी यहाँ पे शीर्ष है जहाँ से तीनों हरा दिख रहा है आपको अगर देखिए ये पहला वाला अगर शीर्ष को देखिए इसका उसको तो अगर एक नंबर नाम करते हैं तो आपको दिख रहा है एक तरफ हरा दूसरे तरफ हरा लेकिन तीसरे तरफ लाल दिक्कत हो गया तीनों तरफ हरा नहीं है यहाँ भी अगर एक तरफ हरा दूसरे तरफ हरा तीसरे तरफ लाल यहाँ भी नहीं है फिर यहाँ भी नहीं होगा ठीक है फिर यहाँ भी लाल आ जाएगा एक तरफ फिर यहाँ भी लाल आ जाएगा एक तरफ तो ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहां पे तीनों तरफ से हरा निकल जाए ठीक है ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहां पे तीनों तरफ से हरा निकल जाए तो इसका आंसर हो जाएगा थर्टी नाइन का जीरो चलिए आगे बढ़ते हैं एल आई सी ए डी ओ ऑफिसर रैंक 2010 का क्वेश्चन है चलिए देखते हैं एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा दस मीटर है कि दो विपरीत सतों को काले रंग से दो विपरीत सतों को लाल रंग से शेष सतों को हरे रंग से ठीक वही कहानी है जो पिछला क्वेश्चन में था ठीक है इसके बाद इसे दो मीटर भुजा वाले 125 छोटे कनों में छोटे घनों में बांट दिया गया है ठीक है तो n बराबर तो पहला दोनों जगह से निकाल सकते हैं 10 बटा दो से भी पाँच निकल जाएगा और एन क्यूब भी एक सौ पच्चीस दिया हुआ है यहाँ से भी एन पाँच निकल जाएगा दोनों ही जगह से आप निकाल सकते हैं ठीक है ऐसे कितने गने जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है अब देखिए यहाँ पर फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ रंग का यहाँ पे रंग का कोई मतलब ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं पूछ रहा है हमसे कि लाल पूछ रहा है कि हरा पूछ रहे हैं अगर लाल हरा कुछ भी नहीं पूछ रहा है तो डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्मूला जो है वही पुट होगा यहाँ पे ठीक है जब भी प्रॉपर पूछेगा कि लाल रंग का केवल एक सतह कितना है तब हमारा फॉर्मूला वहां पे बदलता है जितना सतह में आएगा उतना हमारा आंसर होता है चलिए आगे बढ़ते हैं देख केवल एक सतह रंगी हुई है तो एक सतह का फॉर्मूला होता है सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर तो सिक्स इंटू एन कितना यहाँ पे पांच है माइनस दो का होल स्क्वायर तो छुना और तीन स्क्वायर नौ नौ गुना छ चौवन चौवन ऐसे कितने घने जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई है दो सतह रंगी हुई का फॉर्मूला होता है 12 टू -2। गुना तीन कितना हो जाएगा छत्तीस आगे बढ़ते हैं ऐसे कितने गने जिनकी तीन सतह रंगी हुई है तीन सतह तो आपको पता ही है ठीक है यहाँ पे सिर्फ रंग पूछ रहा है लाल हरा पीला नहीं पूछ रहा तीन सतह रंगा हुआ यहाँ पे होगा पीछे जीरो इसलिए था क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर पूछ रहा था कि हरा रंग का तीन सतह हरा रंग का तीन सतह यहाँ भी नहीं होगा सिर्फ पूछ रहा है तीन रंगा हुआ सतह तीन रंगा हुआ सतह यहाँ भी है पीछे भी था कितना होगा जो शीर्ष पे होता है शीर्ष कितना है आठ आठ होता है आठ हो जाएगा आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे कितने घन है जिसकी दो या दो से अधिक सतह रंगी हुई है बहुत ही आसान सा सवाल है ठीक है दो सतह रंगी हुई है जिसकी कितना था यहाँ पे छत्तीस था अभी तुरंत निकाले हुए हैं ये हो जाएगा छत्तीस एक उसके बाद फिर तीन सतह रंगी हुई है वो कितना हो जाएगा आठ छत्तीस आठ हो जाएगा चौवालीस यही निकालना है आपको निकाल भी सकते हैं ट्वेल्व इंटू दो सतह वाला निकालना होगा फिर एन माइनस टू का होल स्क्वायर से और फिर तीन सतह निकालना होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन सिर्फ आपसे यही पूछ रहा है कि कम से दो या दो से अधिक सतह रंगा हुआ होना चाहिए तो दो या दो से अधिक सतह रंगा हुआ होना चाहिए तो दो रंग वाला भी आ जाएगा इसमें दो से अधिक अर्थात तीन रंग वाला तो तीन रंग वाला भी आ जाएगा चार रंग वाला तो होता ही नहीं है तो उसका बात ही करके बेकार है चलिए आगे बढ़ते हैं एक घन की सभी सतह रंगीन की जाती है एक घन को काटकर बहुत सारे छोटे घन बनाए जाते हैं बड़े घन और प्रत्येक छोटे घन की भुजा का अनुपात अनुपात एक है देखिए जो n का फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है एलवन बाई एल टू क्या है बड़े घन की भुजा और एल्टू क्या है छोटे घन की भुजा और इन्हीं दोनों का अनुपात क्वेश्चन में चार बटा एक दिया हुआ है तो ये घुमा फिरा कर आपसे बस यही बोल रहा है कि एन एन का अनुपात दिया हुआ है आपको चार बटा एक ठीक है और यहाँ से एन हमारा चार निकल जाएगा अब पूछ रहा है केवल एक तरफ रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी केवल एक तरफ तो फॉर्मूला क्या होता है सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर तो सिक्स इंटू चार माइनस दो का होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा सिक्स और दो स्क्वायर यहाँ पे चार हो जाएगा छः चौके चौबीस ठीक है आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन खुद से बनाइएगा पहले देखते हैं गलती करते हैं कि नहीं आप एक बड़े रंगे हुए घन को आठ घन सेंटीमीटर वाले एक छोटे छोटे घनों में काटा गया है तो बताइए कि बड़े घन की भूजा क्या होगी बहुत ही आसान क्वेश्चन है एन क्यूब एक अभी गलत भी हो जाएगा आपका एन बराबर पाँच हो जाएगा ठीक है तो फॉर्मूला क्या होता है एन का बड़े घन की भुजा एल वन छोटे घन की भुजा एल टू एन कितना निकला हुआ है एन पाँच निकला हुआ है एल वन हमें निकालना है और एल टू कितना दिया हुआ है आठ दिया हुआ है तो आप सोचेंगे ऐसा होगा तो एल वन बराबर आठ गुना पाँच बराबर चालीस सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये सरासर गलत हो जाएगा ठीक है इसीलिए बोले इसको खुद से बनाइएगा गलत हो जाएगा और यदि आप देव पहचान लिए मेरे बनाते बनाते में कि गलती कहाँ है तो समझना है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए आठ घन सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है ये आयतन बता रहा है आपको ये भुजा नहीं बता रहा है इसका मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिखते हैं अब आपको समझ आ रहा है ये आयतन दिया हुआ है ठीक है ये क्या दिया हुआ है ये आयतन दिया हुआ है और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा आयतन का फॉर्मूला वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भी बराबर क्या होता है फॉर्मूला साइड जो भी होता है भूजा मान लेते हैं ए है जैसे यहाँ पे हम लो लोग एलवन मान रहे हैं तो एलवन का क्यूब ठीक है छोटा छोटा वाला एल टू था तो एल टू मान लेते हैं एल टू का क्यूब ये होता है माफ़ कीजिएगा ठीक है यही होता है एल टू का क्यूब तो भी कितना दिया हुआ है आठ दिया हुआ है तो एल टू का क्यूब कितना हो जाएगा आठ एल टू कितना हो जाएगा आठ का स्क्वायर क्यूब रूट तो ये हो जाएगा हमारा दो अब हमारा जो आंसर होगा एल वन कितना निकलेगा एन बराबर हो जाएगा हमारा एल वन बटा एल टू एन कितना था पाँच था तो ये L1 कितना हो जाएगा L1 निकालना है L2 हो जाएगा दो अब यहाँ से L1 हो जाएगा पाँच गुना दो अर्थात दस और पीछे करेंगे तो ये हो जाएगा दस नंबर आंसर ठीक है तो यहाँ पे बस यही समझना था कि आठ घन सेंटीमीटर का मतलब आठ सेंटीमीटर क्यूब होता है ठीक है ये आज भूजा नहीं है ये आयतन है आज के लिए इतना ही चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जय हिंद जय भारत